hi friends what's up welcome to the channel of unacademy ca final so myself abhishek bansal so today we'll be top discussing on a topic of SA 501 a quick request for everyone if you like this video or if you have watched other videos also please 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 subscribe to the channel of unacademy so that you get regular updates of all eight subjects okay and for regular live classes kindly download unacademy app एंड सब्सक्राइब टू अ प्लान वेन यू सब्सक्राइब टू अ प्लान प्लीज़ यूज़ अ कोड अभी सी ए सो वेन यू यूज अ कोड अभी सी ए यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट बॉस जल्दी जल्दी लाइव सेशन शुरू होने वाले बहुत जल्द जहाँ पर आपके डाउट वन टू वन सारे सॉल्व हो जाएंगे हर चीज़ आपका लाइव चलेगा वहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर फॉर ऑल एज सब्जेक्ट्स कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है स्टे होम स्टे सेव स्टडी ऑन अन अकेडमी ऐप ओके गाइज सो वेरी सुन विल गेट टू सी यू देर

टिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या यहां पर इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग वापस बोलेंगे इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग अब आधे बच्चों को क्या लगता है दिस एसे इज ऑन इन्वेंट्री ऑन लिटिगेशन क्लेम्स ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है दिस ऐसे इज नॉट ऑन इन्वेंट्री नॉट ऑन एडिगेशन क्लेम्स नॉट ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग दिस ऐसे इज ऑन हाउ यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ सॉरी दिस ऐसे इज ऑन हाउ डू यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर दिस थ्री आइटम्स इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग ये भैया ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करते हैं इफ समन रिमेंबर्स एस ए फाइव हंड्रेड

501 ध्यान रखना ऐसे 501 सो गाइस वी आर डूइंग एस 501 इट जीरो ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम ठीक है तीन आइटम से कौन कौन सी बच्चों इन्वेंट्री है वहां पर पता होगा आपको इन्वेंट्री फिर लिटिगेशन एंड क्लेम्स है आपके पास एंड जो तीसरा है वो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन ठीक है तीन है इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन अब आ जाओ एक एक डिस्कस करते हैं पहले अगेन आई रिपीट दिस एसे इज नॉट ऑन इन्वेंट्री नॉट ऑन लिटिगेशन क्लेम्स नॉट ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग दिस एसे इज ऑन हाउ डू यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर दिस थ्री आइटम्स अब ये क्या कहता है धन सुनाई बच्चों दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस थर्टी मार्च के दिन आपकी बैलेंस शीट क्लोज होती है स्टॉक को वैल्यू करना स्टॉक को अकाउंट करना द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट बराबर अपन क्या बोलते हैं इकतीस मार्च को अपना अकाउंट्स क्लोज होता है तो उस दिन मैनेजमेंट जाके भैया अपना अपना क्लोजिंग स्टॉक ले आते हैं अब एज एन ऑडिटर आपकी आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है अब उसमें स्टॉक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो सर जब मैनेजमेंट स्टॉक काउंट कर रहा होगा बराबर सो so आपको भी वहां मौजूद होना चाहिए सो द ऑडिटर शुड अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो मैनेजमेंट करता है काउंट करना हमारा काम नहीं है मैनेजमेंट का काम है हमेशा ध्यान लग सारा भंगार काम कौन करता है मैनेजमेंट सारा भंगार काम कौन करता है मैनेजमेंट अपन तो खाली एक ही काम करते हैं ओपिनियन देने का अपन तो एक ही काम करता है बच्चों खाली क्या करने का ओपिनियन देने का सारा भंगार काम कौन मैनेजमेंट अब इन्वेंट्री काउंट कर करके क्या मिलेगा सर मैनेजमेंट ने जो इन्वेंट्री काउंट किया है फिर आप भी वहां पर देख रहे हो चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां वो लोग प्रोसीजर कैसा फॉलो करते हैं वो लोग फीफो फॉलो करते हैं वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं है. अच्छा आप खुद जाके वहां पर इंस्पेक्ट कर लीजिए आपने देखा होगा अपने आर्टिकलशिप में भी थर्टी मार्च के दिन अपन बहुत सारे स्टॉक ऑडिट करते हैं बहुत सारे सी एफ में होता होगा क्यों होता है ओली फॉर दिस प्रोसेस सो मैनेजमेंट तो कर ही है अभी हम लोग को भी हमारा करना है ठीक है बट सर प्रॉब्लम क्या होती है सर कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि थर्टी मार्च को अगर मैनेजमेंट ने बोला कि सर आपको आने का है सर मेरे को है ना जुलाब हो गया पीपल हु डू नॉट नो जुलाब नदियां बह रही थी बाढ़ आ गई डायरिया हो गया वहां पर अब 31 मार्च को सर मैं नहीं पहुंच सकता वहां पर सर कैसे जाएगा मैं बताऊँ मैनेजमेंट तो कर रहा है वहां पर काउंट मैं कैसे जाएगा सर आई एम सफरिंग आई एम सफरिंग फ्रॉम जुलाब ना सर आई कैनॉट गो देर वहां पर तो सर पॉसिबल नहीं वहां पर पहुँचना तो आप 31 मार्च को नहीं पहुंच सकते ना ना ठीक है दवाई लेके दो दिन बाद तो ठीक हो सकते हो आप so सो अगर आप थर्टी मार्च को मतलब स्टॉक काउंट हो रहा है आप दो अप्रैल को चेक कर लीजिए थर्टी मार्च का मैनेजमेंट अकाउंट है दो अप्रैल का अकाउंट है वो दो दिन के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ होगा शायद तो सर उस डेट को आप पकड़ लीजिए उस डेट को जब आप पकड़ोगे उसको कौन सा अपन बच्चों कौन से बोलते उसको कहते हैं अपन कट ऑफ डेट क्या बोलते अपन कट ऑफ डेट एंड लगा लीजिए अपने कट ऑफ प्रोसीजर्स कट ऑफ अरेंजमेंट स्टॉक रिको करते हैं ना अपन सो so अगर 31 मार्च को अगर आप पॉसिबल नहीं है सर पहुंचना तो सर आप दूसरी डेट सिलेक्ट कर लीजिए आप ऑल्टरनेट डेट सिलेक्ट कर लीजिए वहां पर आप कट ऑफ डेट कट ऑफ प्रोसीजर लगा लीजिए तो पहला सिटेशन नहीं हुआ दूसरा सिटुएशन क्या कहता है सर वो जो इन्वेंट्री ना सर इन्वेंट्री सर मैं घर से निकला ऑडिट करने के लिए अब क्या हो गया अचानक से बाढ़ आ गई बाढ़ नदियां बह रही थी सर यहां वहां लोग बह रहे थे सर मैं भी पोल को पल खड़ा हो गया सर मैं भी पकड़ा ठीक है लोगों ने मुझे पैसे भी दिए सो so, अब वहां पर क्या हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च के दिन आप इन्वेंट्री काउंट करने जा रहे थे वहाँ पर वहां पर अनफोर्सिन सर्कमसेंस की वजह से बाढ़ आ आगे आप नहीं पहुंच पाओगे अब क्या अपन अपने जान पे खेलते तैर के जाएंगे क्या क्लाइंट प्लेस पे यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूशन चल रही है नहीं सर नहीं हम लोग तो जाने नहीं सकते तैरने नहीं आया था सर स्विमिंग क्लासे कभी ज्वाइन नहीं की फोबिया वाटर फोबिया अपने को तो सर अब क्या कर रहे हो अब कोई प्रॉब्लम अरे बाढ़ का पानी कभी ना कभी तो जाएगा ना अरे वो जो भी अनफोर्सिंग सर्कमसेंस तो भूकंप आ गया कुछ वॉर वॉर शुरू हो गया कुछ भी हो गया अरे सर बाहर में जाके कर लो ना और सिलेक्ट एन जाकरनेट डेट यूज कट ऑफ प्रोसीजर कट ऑफ अरेंजमेंट सिलेक्ट एन ऑल्टरनेट डेट सो पहला पॉसिबल पहला पॉसिबिलिटी था कि बस इन्वेंट्री काउंटिंग जब डिफरेंट डेट पे होती है दूसरा अनफोर्सिंग सर्कमसेंस तीसरा हमारा है ना एक केमिकल वाला क्लाइंट है केमिकल वाला क्लाइंट हमारा एक केमिकल वाला क्लाइंट है

शी कितना गंदा सोच है तुम लोग का मतलब बॉस का जान जान होता है आर्टिकल का जान जान नहीं होता क्या वो नन्नी सी कली ली बेचारी मुरझाई हुई सी रहती है जिंदगी भर सारे दिन अरे भैया अगर वो नहीं वो नहीं जाएगा बेटा वो नहीं जाएगा आई एम वेरी गुड बॉस मेरे को मेरे आर्टिकल का बहुत फिक्र है भैया मेरा जान जान है तो उसका भी जान जान है उसको भी तो हो सकता है ना कोई भी प्रॉब्लम सर नहीं तो फिर क्या करें सर बैठा ऐसे यहाँ पर सर ठीक है जब आपका स्तंभ ठीक होगा तब आप जाओगे बराबर नहीं अरे किसी ना किसी का तो काम होगा ना रोज का यह सब करने का केमिकल काउंटिंग करने का कोई तो होगा ना इसमें जो एकदम माशाल्लाह सुबह अल्लाह वल्ला वल्ला जल्ला वल्ला होगा पकड़ो उसको जाके मंच कौन सर जाके पकड़ो किसको एक्सपर्ट को किसको पकड़ो एक्सपर्ट को तो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उसको अपॉइंट कर लीजिए सर वो आपको इन्वेंट्री काउंट ला के दे देगा अब पता चलता है कि सला किसी फील्ड में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है होता है ना एक फॉर एग्जाम्पल बायो केमिकल बायोफील गोबर गैस के जो प्लांट्स होते हैं ठीक है वहां पर कोई एक्सपर्ट ही नहीं है तो क्या करने का सर सर जब आप नहीं पहुंच पा रहे सर जब एक्सपर्ट नहीं पहुंच पा सर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे तो सर ठीक है ना ठोक दो ना क्लाइंट को फिर क्या ठोको ऐसे सेवन जीरो फाइव के तहत क्या कर देने का अपने को द ऑडिटर द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन जी बच्चों को मॉडिफाई नहीं पता आपने शायद पुराना वीडियो नहीं देखा होगा पिछला वाला वीडियो में मैं सिखा मैंने सिखाया मैंने मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों मॉडिफिकेशन मींस एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन क्या कहते हैं अपन एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन कौन सी होती है वो क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर कौन सी होती है बच्चों वो क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर हो गया चौदह सिचुएशन सर इन्वेंट्री ना इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी वेयर हाउस कीपर हो गया कंसाइनी हो गया एजेंट हो गया तो सर आप क्लाइंट प्लेस पर जब पहुँचते हो तो वहाँ पर तो आपको इन्वेंट्री नहीं मिल रही है सो द इन्वेंट्री इज एट थर्ड पार्टीज प्लेस वेयर हाउस में है एजेंट के गोदाम में पड़ी हुई कंसाइनी की आवाज़ वहां पर पड़ी हुई है शायद सेल ऑन अप्रूवल पर भेजोगे आप क्या करें सर आप क्या करें ठीक है ना फोन कर लो उसको क्या बोल दो उसको अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या करवा लो सर आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करा लीजिए सर उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ से गुड्स गया होगा वहाँ पर पहुंचा होगा तो वहाँ से सर डॉक्यूमेंट्स मंगा जाए इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स अच्छा अगर किसी ने ऐसे फोर जीरो टू पढ़ा है वहां पर तो वहां पर अगर आपको याद होगा थोड़ा तो सा ऐसा कुछ सीखते हैं अपन आई विल बी डूइंग इट लेटर ऑन ऑन एकेडमी वेरी सुन सर्विस ऑडिटर तो सर ऑप्टेन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट मतलब उस उस एंटिटी का जहां पर स्टॉक पड़ा है उसका जो ऑर्डर उसके एक रिपोर्ट ले लीजिए वो उठा लीजिए तो ऑप्टेन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट सो बच्चों फाइनल लेवल पे एग्जाम में कैसा आता है सो दे विल गिव यू सिचुएशन फॉर इन्वेंट्री ठीक है एंड कोई भी इन चार इंडिपेंडेंट सिचुएशन में से मतलब एट अ डिफरेंट डेट इम्प्रैक्टिकेबल अनफोर्सिन सर्कम से बाढ़ वाला एग्जाम्पल और ये थर्ड पार्टी इन चार में से कोई भी एक या दो आपको अट्रैक्ट कर सकता है तो चार मार्क का आंसर या टू मार्क्स ईच का आंसर समझा आपको इन्वेंट्री बहुत ही सिंपल आंसर है सीधा लिखना है आपको एंड राइट स्टेट पॉइंट टू द पॉइंट कोई ज्ञानबाजी नहीं करने की अपनी क्या बोलेंगे अपन एज पर एस ए फाइव जीरो वन ऑल एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम ठीक है द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर आर नंबर वन ही शुड अटेंड क्या बोलोगे टर शुड ऑप्टेन साई साई का मतलब सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्सिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ठीक है द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल अनश अटें एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल जो अपन आगे पढ़ेंगे ठीक है अब क्यों करना चाहिए उसको अटेंड टू इवाल्युएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूस फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट कैसा इन्वेंट्री काउंट कर रहा है मेरे को वो सामने सामने देखने का मेरे को चाहिए सबूत मेरे आंखों देखा हाल ना चाहिए मेरे को मेरे को विश्वास नहीं मेरे को किस पर विश्वास नहीं है ठीक है क्योंकि वैसे भी अपन बोलते हैं ऑर्डर हमेशा शक की दिमाग का होता है प्रोफेशनल स्कैप्टीसिजम क्वेश्चनिंग माइंड फिर ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री इन परफॉर्म टेस्ट काउंट जिन बच्चों को टेस्ट काउंट नहीं पता टेस्ट काउंट मतलब बच्चों सैंपल सैंपल बेसिस पे सैंपल बेसिस पे आप चेक कर लीजिए फिर क्रॉस चेक द फाइनल ट्री रिकॉर्ड्स विद एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट भैया जो मैनेजमेंट का अकाउंट है जो आपका अकाउंट है उसको मैच कर लीजिए ठीक है तो ये हो गया आपका प्रोसीजर फिर चार इंडिपेंडेंट सिचुएशन है बच्चों चार इंडिपेंडेंट सिचुएशन पहला आई वुड रीड इट एज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट अ डिफरेंट डेट नॉर्मली अगर आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वहां पर कि मेरे को जुला होगा आई एम नॉट वेल आई कैनॉट गो इट सो यू विल से ऑडिटर शेल एडिशनली परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑपटेन एविडेंस अबाउट वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड ऑफ एफ एस आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड मतलब करा अपन ने नंबर टू द ऑल्टर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू आई विल चेंज दिस हेज इम प्रैक्टिकेबल सर्कमसेंसेस इम प्रैक्टिकेबल सर्कमसेंसेस आप क्या बोलोगे द ऑर्टर शेल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू अपटेन अरे बाबू किधर चला गया टू अपटेन साई रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाइए ठीक है मतलब क्या एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिए वो भी पॉसिबल है सो इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो द ऑर्टर शेल मॉडिफा द ओपिनियन इन द ऑर्टर रिपोर्ट एज पर एस एस सेवन जीरो फाइव ब्रैकेट में आर सो so आपके एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लो अगर एक्सपर्ट भी पॉसिबल है तो क्या कर दो ऑर्टर शेल मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस एस सेवन जीरो फाइव आर तीसरा तीसरा क्या कहता है इट इज वेन द इन्वेंट्री इज विथ थर्ड पार्टीज सो वेन द इन्वेंट्री इज विथ थर्ड पार्टीज मैंने वो एग्जाम्पल दिया कंसाइनी का एजेंट का ठीक है वेर हाउस में पड़ा हुआ है सो द ऑर्टर शेड ऑप्टेन वही सेम पॉइंट रिपीट करें साई रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज रिगार्ड द क्वांटिटीज एंड द कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री सी हमको क्या चाहिए वहाँ पर सर हजार यूनिट यहां से गए तो आपके पास हजार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा बता दीजिए एंड इन्वेंटरी सब ठीक है ना मतलब खराब वराब तो नहीं हुआ ऑब्सोलेसेंस तो नहीं हुआ वहाँ पर एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोपरेट इन द सर कम जैसे मैंने आपको बोला एस ए फोर जीरो टू सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट ले लीजिए कन्फर्मेशन ले ली अपने ऑलरेडी इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स हो गया आपका आंसर चौथा वेन द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल ट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन बाढ़ आ गया भूकंप आ गया कोविड हो गया लॉकडाउन हो गया देश में एग्जाम्पल्स so क्या बोलोगे मेक in so और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन डेट परफॉर्म ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर टू एविडेंस अबाउट चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड ऑफ एफ एस आर प्रोपरली रिकॉर्डेड वो एक कट ऑफ डेट कट ऑफ प्रोसीजर तो इसका आंसर और ऑल्टरनेट डेट का आंसर सेम है ठीक है इम्प्रैक्टिकेबल का अलग आंसर है थर्ड पार्टी का अलग आंसर है समझा आपको फाइनल लेवल पे बच्चों एग्जाम में जो रिपीट होता है वो यही होता है ऐसे फाइव जीरो दूसरा अब ये कहता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स ठीक है आई होप आपको इन्वेंट्री पूरा समझ गया होगा अच्छे से नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स मतलब सु, सु हो रखा है केस हो रखा है वहां पर आई डू आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द अमाउंट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम्स मतलब कितने का सू है क्यू है क्या है मेरे को वो सब जानने का नहीं मेरा काम सब मैनेजमेंट का काम है हम लोगों को क्या चाहिए सर हम लोगों को क्या चाहिए कि जो सू हुआ है वहां पर वेदर एंटिटी ने किया है या वेदर एंटरटेन के पास हुआ है किसी ने सो देम पीपल ठीक है तो सर मेरे को वो सू जानने का है तो अभी मेरे को यहां पर क्या चाहिए एविडेंस ये सू के लिए अब अक्कर लगाओ अगर मैं आपको बच्चे अगर मैं आपको वहां पर अगर मैं आपको वहां पर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट देता हूं फिनेंशियल स्टेटमेंट देता हूं क्या आप मेरे को देख के बता पाओगे कि वहां पर कंपनी में सू रखा है एफएस एस एफएस दिया आधे बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर नहीं मैं कहता हूं हां बेटा कंटिजन लाइब्रेट अरे सर वो तो नोट्स में होता है ना अरे मेरे राजा तो नोट्स क्या होता है एफ का मतलब क्या होता है बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो नोट की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस नहीं करी तो नोट्स आए ना एफ का पार्ट में सो कंटेंजन लाइब्रेटरी दिख रहा होगा वहां पर या आपको पीएनएल में पीएल में टू लीगल एक्सपेंस अकाउंट टू लॉयर फीस टू फाइन टू पेनेंट मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तब ये लोग ने लीगल एक्सपेंस अकाउंट खोल रखा है तभी लॉयर को फीस जा रही है वहां पर फाइन पेनल्टी ये सब क्या नॉन कम्प्लेंस ऑफ लॉज है तभी तो लिटिगेशन क्लेम्स है तो बॉस आपको जानने का है कि लिटिगेशन क्लेम्स कितना है क्या है तो भैया सब भैया लॉ अगर आपको तो लॉ आता नहीं क्योंकि आप हमको लॉ आता है वैसे बट वहाँ पर तो कंपनी ने एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रखा है बराबर तो एंटिटी का जो लॉयर होगा एंटिटी का जो लीगल काउंसिल होगा सर हमको उनसे बात करने का है तो आप गए मैनेजमेंट के पास तो पहले तो अपन घर में जाके चेक कर लेंगे मैनेजमेंट तुम्हारा डॉक्यूमेंट दे दो नोटिस दे दो ऑर्डर की कॉपी दे दो कितना फाइन भला है क्या, क्या कैलकुलेशन किया हमको बता दो इफ यू आर सेटिसफाइड वेरी गुड इफ यू आर नॉट सेटिसड सर हम लोग को ना लॉयर से बात करने का हम लोग को लॉयर से बात करने का मैनेजमेंट कहते हैं दो प्रोबेबिलिटी चल बात करने दिया तुमने बात कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनेजमेंट बोलते नहीं बात करने दूंगा जो उखाड़ने का उखाड़ तोड़ ले मैनेजमेंट मना कर रहा है क्योंकि आपको नहीं पता लॉयर कौन है और लॉयर कैसे बात करेंगे कौन सा फोन नंबर पे करें कहां रहता है क्या क्या एड्रेस आपको नहीं पता तो यू टू इंक्वायर विद मैनेजमेंट फॉर द लीगल काउंसिल डिटेल्स मैनेजमेंट रेफ्यूज कर देता है क्या आपका हक था बात करने का हाँ आपका हक रोका हाँ सर अगर आपका हक रोका तो बच्चों क्या हो जाएगा वो रोजा क्या हो जाएगा वो रोजा रोजा मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट क्या हो जाएगा वो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट हो जाएगा ठीक है एंड अगर रोजा हुआ तो सर हम क्या कर देंगे अगर वहां पर बच्चों रोजा होता है रोजा मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट तो आप क्या कर दोगे वहां पर अमर अमर मतलब द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट आप क्या बोलेंगे द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट अमर कर देंगे द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट ध्यान रखना ठीक है सो वही बता एज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे सेवन जीरो फाइव आर एस पर सेवन जीरो फाइव आर क्लियर दस मच नाउ ठीक है पहला प्रोबेबिलिटी था हमारा हमको बात कर नहीं दिया तुमने लॉयर को बोला रहे भाई ये जो लिटिगेशन क्लेम्स हो रखा है इसका वैल्यूएशन कैसे किया आपने जरा हमें बता देना लॉयर बोलता है नहीं बताऊंगा जो करने का है कर मैं नहीं बताएगा इज इ बाउंड आई मीन द लॉयर इज बाउंड ना कोई लॉ के थ्रू ना कोई लीगल मतलब किसी में भी ना कोई ऐसे ना ये किसी में भी बाउंड तो नहीं है वो तो आपकी मदद करता उसने मना कर दिया क्या आपका हक था जानने का हाँ सर क्या आपका हक रोका हाँ सर रोका तो बेटा रोजा क्या कर देंगे अपन अमर अमर मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट समझा आपको चीज़ चीज़ें एकदम सिंपल है ध्यान रखना आपका हक होता है बात करने का उसने बात किया करने नहीं दिया या किया तो उसने जवाब नहीं दिया क्या कर देंगे अपन मॉडिफाई कर देंगे इन केस चीज अगर बात करने के बाद भी इफ यू आर नॉट सेटाइड स्टिल आप क्या कर दो मॉडिफाई सबसे सेफ खेलने का एग्जाम है मॉडिफाई डोंट ट्राइट क्वालिफाई एडिमस यू आर नॉट श्योर अबाउट मटेरियल एंड परवेसिवनेस जो मैंने आपको एस एस सेवन जीरो फाइव में सिखाया है ठीक है इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट बेटर इज टू राइट मॉडिफाई द ओपिनियन अब देखो यहां पर क्या कहता है इट्स इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स लिटिगेशन एंड क्लेम्स द ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू रॉम बच्चा रॉम मजे ए रिक्स ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट क्या अरे रिक्स ऑफ मटेरियल मे स्टेटमेंट क्या बोलेंगे रिक्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिक्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ठीक है मैं आप इसको एमएमएस मटेरियल मिस स्टेटमेंट ठीक है फिर द ऑडिटर शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड वेर एप्लीकेबल अदर्स विद इन एंटी घर में पूरा बातचीत कर लो पहले इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब जो कंपनी का इंटरनल लॉयर है रिव्यू द मिनट ऑफ द मीटिंग ऑफ टीसीड जी टीसीड्लू जी दो चार्ज विद गवर्नेंस बेसिकली ऑडिट कमेटी वाले जैसे लोग होते हैं एंड द बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल उनका मीटिंग मीटिंग आप क्या कर लीजिए चेक तो घर में सब से चेक कर ली इफ यू आर सेफाइड वेरी गुड सी हियर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन हाउ डू यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट तो अपने रिकॉर्ड्स अकाउंट ऑर्डर की कॉपी वो सब चेक कर लिया साथ में अपने लीगल एक्सपेंस अकाउंट देख लिया ना द ऑर्डर शुड सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब लॉयर से इफ द ऑर्डर असेसिस आर रॉन्ग मतलब उसको रिस्क लग रहा है रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स द ऑर्डर शल सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदिटीज लीगल काउंसिल जाकर सर आप बात कर लीजिए फिर कैसे करेगा वो दर्टर शुड डू अ थ्रू अ लेटर ऑफ इक्वाइरी प्रिपेयर बाई द मैनेजमेंट एंड सेंट बाई द ऑल्टर तो ये आपको एम सी क्यू में आ सकता है कि भाई लेटर ऑफ इंक्वाइरीज प्रिपेयर बाई द मैनेजमेंट एंड सेंट बाई द ऑल्टर रिक्वेस्टिंग द एटिटीज लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द आर्टर तो मैनेजमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है बोलता है ठीक है सर आप जाकर लायर से बात कर लीजिए और लॉयर से मैं कह देता हूँ तो लॉयर को बोल देगा कि ठीक है आप ऑर्डर आपसे सवाल पूछा उसको बता दीजिएगा अच्छा इफ द लॉ रेगुलेशन और बॉडी प्रोहिबिट्स द एंटिटीज लीगल काउंसिल फॉर्म कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विदर अगर लॉ मना कर रहा है तो क्या करेंगे ऑर्डर शु परफॉर्म आल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अब ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसेस कुछ होता नहीं है जनरली क्या कर लेंगे यहाँ पर अपन मॉडिफाई कर देते हैं फिर अब ये रहा आपका पॉइंट इफ द मैनेजमेंट रेफ्यूज टू गिव द दर्डर्स परमिशन टू कम्युनिकेट मतलब मैनेजमेंट ने मना किया और मीट विद द एंटिटीज लीगल काउंसिल और दूसरा पॉपोरिटी बात करने दिया पर एंटिटीज लीगल काउंसिल रेफ्यूज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग ये भी आ गया प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग क्या करेगा और द दर्डरबल टू अपटेन साई ब परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो द ऑर्डर शुड मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस ए सेवन जीरो मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस एवन जीरो नहीं दिया बात किया पर लॉयर ने जवाब नहीं दिया लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है मैं क्या कर दूंगा मॉडिफाई एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव ठीक है फिर ये इतना जो पार्ट है ये नहीं पढ़ने का ये कुछ काम का नहीं होता फाइनल लेवल पे कुछ काम है। सब डिस्क्रिप्टिव पार्ट है अपने को वैसे भी केस बेस्ड पेपर आता है पूरा। सब नहीं पढ़ने का ठीक है अब खाली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ले लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या होता है ठीक है क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें देखो अभी क्या क्या इंक्लूडेड है अ लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम बाकायदा पूरा लिस्ट दे दिया नंबर टू वे आर एवेलेबल मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फिनेंशियल इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ने सोचा कि कंटीजन लाइविलिटी हमारे हिसाब से पच्चीस लाख की हो रही है तो पच्चीस लाख का मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है वो वहां पर लिख देगा उस इंक्वाइरी में फिर आई रिक्वेस्ट एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कन्फर्म दैट द रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट्स एंड प्रोवाइड ऑर्डर विद फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ द लिस्ट इज कंसिडर बाई द एक्सर्न लीगल काउंसिल टू भी इनकॉम्पिटेंट और इनकरेक्ट सर मेरे हिसाब से दस केसेस पेंडिंग है इसमें से चार में मैनेजमेंट कह रहे है कि पच्चीस पच्चीस लाख का कंटिनजन लाइबिलिटी होगा आप बता दीजिए कि सही है क्या अगर आपको कुछ गलत लग रहे हैं तो आप अपना लिस्ट अलग से दीजिए मुझे कि अगर और केसेस हो रखे हैं या जो मैनेजमेंट का जो असे, असेसमेंट है रिगार्डिंग द कंटिनियन लाइब्रेट या रिगार्डिंग द लीगल अ, केस या फिर द सूट तो सर आप बता दीजिए क्या है तो ऐसा अपन मस्त लिख के देंगे कि इसमें लेटर ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंक्वायरी में ठीक है समझा आपको एग्जाम में जो अपने को आ सकता है वो ऊपर वाला पार्ट आ सकता है लिटिगेशन क्लेम्स का फर्स्ट फोर पॉइंट्स फर्स्ट फोर पॉइंट्स ठीक है तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन अब क्या होता है भैया मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या करता है सेगमेंट वाइज अपने अकाउंट अलग अलग डिविजन वाइज बराबर सो ऑडिट एविडेंस कैसे लेंगे कैसे कलेक्ट करेंगे

ओल्ड so, वाले बोलेंगे ए एस और न्यू वाले बोलेंगे इन डे एस ठीक है वह अपना एप्लीकेबल एफ आर एफ ऑप्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथड्स यूज बाई द मैनेजमेंट इंटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एंड इव एल्टिंग विद मैथ आर लाइकली टू रिजल्ट इन द डिस्लोजर एज पर एप्लीकेबल वेर अप्रोप्रेट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सर्च मैथड्स एंड दर्डर शुड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑर्डिट प्रोसीजर इन सरकम से आपको कंपेरिजन करनी है वहां पर समझा आपको यह क्या हो गया सेगमेंट इफॉर्मेशन एफ। आज तक एग्जाम में नहीं आया है आज तक बच्चों एग्जाम में ये चीज नहीं आई है आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू सो तीन पार्ट है हमारा इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या बोलेंगे अपन इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग समझा आपको सो so, इन्वेंट्री में आपको ध्यान रखना है चार सिटुएशन है ऑल्टरनेट डेट इम्प्रैक्टिकेबल अनफोर्स इन सर्कमस्टेंसेज थर्ड पार्टी फिर लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्लियर आई होप थिंग्स आर क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा आपको मजा आ रहा होगा ठीक है सो पीपल हु आर लाइकिंग द वीडियो और द एक्सप्लेनेशन आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी प्लीज तो क्या होगा आपको अपडेट आता रहेगा कि कब कब क्या क्या अपलोड हो रहा है वहां पर आई नो यू गाइज आर रनिंग वेरी बिजी यू आर रनिंग वेरी बिजी सो गाइज आज आपको इससे कुछ क्वेश्चन करा जाए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है देखो मी करें शुरू अब ध्यान से देखना सो दिस आर स्पेसिफिक क्वेश्चन विच एव बीन आज इन द एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट एज पर एस ए फाइव जीरो वन ठीक है फाइव जीरो वन सो देखो कैसे क्वेश्चन आता है तो पूरा पेपर अपना केस स्टडी बेस्ड होता है ध्यान रखना इस चीज़ का यू आर द ऑडिटर ऑफ ईजी कम्युनिकेशन लिमिटेड फॉर द फिनेंशियल ईयर फिफ्टीन सिक्सटी अब एग्जाम में अगर आ गया तो वो फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देंगे ध्यान रखना द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन वॉज टू पॉइंट टू फाइव सी आर ड्यू टू अन अवॉइडेबल सरकमसेंसिस अनअवॉइडेबल सर्कमसटेंसेस यू कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एनअल फिजिकल वेरीफिकेशन अंडर द अबाउ सरकमसटेंसेज हाउ वुड यू एनश्योर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट बाय द मैनेजमेंट वॉज इन ऑर्डर अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पर अब क्या बोलेंगे अपन को ऑडिट एविडेंस अच्छी है अपने को अब अपन तो पॉसिबल नहीं है जाना तो अपन एक काम करेंगे ऑल्टरनेट डेट सिलेक्ट करके कट ऑफ डेट कट अप उसे कर लेंगे अगर आपने को मैनेजमेंट से जानने का है तो बॉस मैनेजमेंट का आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो चेक मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर यूज़ किया था वहां पर टेस्ट काउंट करो इन्वेंट्री काउंट करो रिकॉर्ड चेक करो तो इस आंसर को थोड़ा सा डिटेल में अब लिखना होगा अब देखो कैसे लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट में आप हमेशा ऐसे का रेफरेंस देंगे हमेशा एस पर एस फाइव जीरो वन आपको बत्ती चलने से अगर इन्वेंट्री का बात किया है तो बॉस एक ऐसे अट्रैक्ट होता है मेरा कौन सा एस ए फाइव जीरो वन कौन सा ऐसे बच्चों एस ए फाइव जीरो वन क्या कहता है ये फॉर सिलेक्टेड आइटम्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑपटेन साइ जो है अपनी हेडिंग थी पूरी वो ड्यूरिंग हिज अटेंडेंस एट फिजिकली इन्वेंट्रीउंट ठीक है तो यह मेरा पॉइंट नंबर वन हो गया नंबर टू ये अपन कर चुके ऑलरेडी इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू प्रेजेंट एट द फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट ऑन द डेट प्लान स इन सर्कमसेंस कहां से मिला मेरे को क्वेश्चन में से दर्जर शुड टेक और ऑब्जर्व समिजिकल अकाउंट ऑन ऑल्टरनेटिव डेट कट ऑफ डेट एंडफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मतलब कट ऑफ प्रोसीजर टू असैस द चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवी द डेट ऑफ फिजिकल एंड दर एंड डेट आर करेक्टली रिकॉर्डेड ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च दो अप्रिल वाला एग्जाम्पल थर्ड द ऑर्डर वुड ऑल्सो वेरीफाई द प्रोसिजॉप्टेड ट्रीटमेंट गिवन फॉर डिस्क्रिप्रेंसिस नोटिस ज्यूरिंग द फिजिकल काउंट फोर्थ आ गया the auditor should ensure that the appropriate cut off procedure was followed by the management he should get the management's w r so main aapko bola on kis pe completeness of the information regarding provided regarding the entity number 2 assurance with regard to the adherence for the procedures laid down for physical inventory count to तो procedure बराबर है और जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट का वो बराबर है ऐसा मैनेजमेंट मेरे को लिख के देगा किधर w r में चार मार्क का आंसर होता है बच्चों पाँच मार्क का आंसर होता है मैक्सिमम चार या पाँच आजकल तो ट्रेन में चार का ही चल रहा है ठीक है so सो बस चार पॉइंट में आपको खत्म करना है मैं कह रहा हूं भैया एसेज आर नॉट दैट टफ जितना मार्केट में हवा बना रखा है बहुत ईजी होते हैं हाँ आई नो द नंबर नंबर्स बिग आई मीन आर दॉ एसेज टू बी रिमेंबर आई थिंक थर्टी सेवन नो थर्टी फाइव थर्टी फाइव एसेज एंड वन एस क्यूसीज थर्टी सिक्स ये सब पढ़ना पड़ता है आपको है छत्तीस बट समझने छत्तीस चैप्टर्स अलग है मेरे को आधे पौने घंटे का एक चार तरह मेरा हाथ का क्वेश्चन कर लेने का हो गया सी उसके बाहर सब आ गया तो भैया वो तो फिर किस्मत अपनी पर मोटा माटी यही सब आता है एग्जाम में नंबर टू देखो अभी सेकेंड क्वेश्चन इट्स इज एलएमएन लिमिटेड सप्लाईज नेवी यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री द कंपनी हैज फोर वेयर हाउसेज एट डिफरेंट लोकेशन थ्रू आउट द इंडिया एंड फाइव वेयर हाउसेज एट द बॉर्डर पता नहीं क्या बड़ी लाल है तुमको बॉर्डर पर जाकर तुम्हारा वेयर हाउस बनाने के बताओ ठीक है द मेजर स्टॉक्स आर जनरली सप्लाइड फ्रॉम द बॉर्डर्स बॉर्डर लिमिटेड अपॉइंटेड मैसेज ओपीड कंपनी ओके ये है टू कंडक्ट इट्स ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ओ द पार्टनर ऑफ ओ पी क्यू एंड कंपनी अटेंडेड ऑल द फिजिकल इन्वेंट्री कंडक्ट काउंटिंग समझ आएगा भैया इन्वेंट्री का क्वेश्चन है इन्वेंट्री का एस एफ आई जीरो वन ठीक है थ्रू आउट द इंडिया बट

How an auditor is supposed to deal with the invent attendance at physical inventory counting, if it is impracticable? Same चीज़ वो ही स्थिरि लिखनी है अपने को चेक सेम पॉइंट पूरा वो ही रहा है बच्चों रीड कीजिए इसको एक बार वही पॉइंट है जो अपने थेरी में पढ़ा ठीक है फिर देखो भी अब वही बोलेगा अगर इम प्रैक्टिकेबल है इम प्रैक्टिकेब है क्या आपने को ऑल्टरनेट प्रोसीजर लेना चाहिए अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं है तो अपन क्या कर देंगे वहां पर एस एस के तहत तो मॉडिफाई कर देंगे सो वेर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सबसिक्वेंस सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग may प्रोवाइड sufficient appropriate audit evidence अबाउट द existence एंड द कंडीशन ऑफ inventory. तो आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे बराबर ऑल्टरनेट प्रोसेस योग हो गया अगर वो भी पॉसिबल नहीं है इट मे में नॉट बी पॉसिबल टू ऑप्टन साई रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इवेंट्री बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट प्रोसीजर इन सच अ केस एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव एज पर बच्चो एस ए सेवन जीरो फाइव एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव दर्टर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन हो गया आंसर सी योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर और मैं कह रहा हूं भैया इन्वेंट्री आता फाइनल एग्जाम पे खाली इन्वेंट्री तीसरा इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द एफ एस द ऑडिटर शेल ऑप्टेन साई रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बायटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इंप्रैक्टिकेबल सेम क्वेश्चन ऊपर वाला थ्योरी कॉपी करने का आपको पूरा चेक कर लीजिए एक बार आप डिम सेम सेम कुछ भी नया नहीं है वही कॉपी किया है दिस प्रोसीजर्स में सर्व एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जिसको अपन प्यार से टीओसी कहते हैं और पर मतलब टेस्ट ऑफ ड्यूटीज टेस्ट ऑफ डेल्स सॉरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्लान अप्रोच एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कैरीड आउट इंस्पेक्ट इंस्पेक्टिंग इमेंट्री अटेंडिंग फिजिकल काउंटिंग असर अस इन द एक्स्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री मतलब वो अपने को चाहिए वहाँ पर एंड इन आइडेंटिफाइंग फॉर एग्जाम्पल ऑप्सिट है डैमेज और एजिंग ऑफ द इन्वेंट्री तो एक्जिस्टेंस चेक करना है और मेरे को कंडीशन चेक करना है इन्वेंट्री मौजूद है एंड वो मौजूद है वो सही है कि नहीं ये चेक करना आपको वही लिखना था फिर आप बोलोगे भी अगर इम्प्रेक्टिकल होता है तो आट्टरनेट प्रोसीजर लाइक इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स स्टिल इफ यू दर्टर इज नॉट सेटिसफाइडरनेट प्रोसीजर द आर्टर शोड मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एस एव आई मीन एस पर सेवन जीरो फाइव मॉडिफिकेशन द ओपिनियन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बच्चों यही क्वेश्चन है ऐसा ही आता है इसके अलावा कुछ भी नहीं आता कौन सा ऐसे कियावेन जीरो आई मीन ऐसे ए फाइव जीरो वन और बार बार सेवन जीरो फाइव का भी रेफरेंस यूज हुआ यहाँ पर प्रधानक ने ऐसे फाइव जीरो वन क्या कहते हैं इसको अपन ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसल्ट्रेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स समझा आपको चीज़ इतना ही है तीन आइटम इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स सेगमेंट रिपोर्टिंग कूल परफेक्ट so very soon i'll be back with the new new essay new class and uh, please subscribe to the channel and download the Unacademic app and use a to get discount on your subscription take care guys take care bye bye enjoy